एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो ECS स्वीडन T10 का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा जिन्ना सीसी स्टॉकहोल्म और LB जर्मनी के बीच में। सबसे पहले कल रात के जो लास्ट का T10 मैच था स्वीडन T10 का, उसके लिए सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिस भी भाई ने अपनी टीम लगाई होगी ड्रीम टीम थी भाई, कोई भी मतलब 11 के 11 प्लेयर जो थे वो ड्रीम टीम वाले थे। और दूसरी बात, जो कप्तान वाइस कप्तान थे वो भी ड्रीम टीम वाले थे। मतलब 9 लाख रुपए वाला जो यहाँ पर कॉन्टेस्ट था ना, उसमें भी जो अपनी पहली ही टीम आई थी, तो ये समझ के चल सकते हो आप ड्रीम टीम थी। और अगर जिस भाई को डाउट है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लो। टेलीग्राम चैनल से वैसे भी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि इस मैच का भी जो भी फाइनल मेरा टीम रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पे आएगा। उसके अलावा बेटिंग ऑर्डर भी टेलीग्राम चैनल पे आएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं। एक तो देखो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोनों जगह से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, या मैंने ड्रीम टीम दी थी या नहीं दी थी, आप जाकर खुद चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के तरीके आपको बता दिए हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ। तो भाइयों, ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम इज मनी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टाइटल में जाकर मोर के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट मिलेगा उसमें भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, ताकि आपको पता चले कि ड्रीम टीम थी या नहीं थी, और आप देख भी पाओ कि हम कैसे यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बात करते हैं मैच के बारे में। ये मुकाबला 12:30 बजे स्टार्ट होगा। सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है। कल यहाँ पर 5 मुकाबले हुए थे, 3 जीते थे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 2 में यहाँ पर चेज हुआ था। अब देखो पहले बात कर लेते हैं LB जर्मनी की टीम की, जिनका ये पहला मुकाबला है। अब यहाँ से पूरे जो अभी जो यहाँ पर ये क्वालिफायर खेल के आ रहे हैं ना, ECS क्वालिफायर मैच खेल के आ रही है, दो मैच सभी टीमें, तो उस मैचेस में ना इस्माइल जिया और जबीउल्ला नियाजी, इन दोनों ने इनकी तरफ से ओपन किया था। इस्माइल जिया के नाम अगर आप देखो तो ओवरऑल करियर में ECS T10 के 49 मैच में 262 रन 11 का एवरेज है, जबकि क्लब T10 में 23 मैच में 340 रन 22 का एवरेज है, 2 विकेट है। विकेट कीपिंग सेक्शन से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल टीम में होना चाहिए। जबीउल्ला नियाजी हैं, 27 T10 खेला है, 194 रन है, लेकिन क्लब T10 में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, 6 मैच में सिर्फ 24 रन। तो अभी छोड़ के चलेंगे। आजम खलील एक CVC का चॉइस वाला प्लेयर है, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत ही सॉलिड करता है। ECS T10 में 67 मैच में 1027 रन, 64 विकेट है, 110 ओवर डाल के, जबकि क्लब T10 में भी 21 मैच में 366 रन और 22 विकेट है 33 ओवर डाल के। बिल्कुल आप इनको CVC रख सकते हो। जी आलो जाए, ये भी बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है, 36 T10 में 356 रन 33 विकेट है ओवरऑल, और 2022 के अंदर भी 20 मैच में 225 रन 20 का एवरेज 17 विकेट है 32 ओवर डाल के। शाहिद अली हैं, इनके नाम देखो, 30 T10 में 228 4 विकेट है 4 ओवर डाल के ओवरऑल, और 2022 में 20 मैच में 167 2 विकेट है। तो उतना खास रिकॉर्ड इनका मेरे को लगा नहीं, क्योंकि बॉलिंग उतनी ज़्यादा करवाते नहीं है। सैम खलील हैं, ओवरऑल 44 T10 में 167 रन 22 का एवरेज 9 विकेट है 20 ओवर डाल के, जबकि 2022 में 22 मैच में 103 2 विकेट है। तो उतना खास रिकॉर्ड इनका भी मेरे को यहाँ पर नहीं लगा है, हर मैच में इनको भी बॉलिंग नहीं मिलती। कुदरतुल्ला मीर अफजाल, ये मेन बॉलर आप बोल सकते हो टीम का, जो कि 2 ओवर मेरे हिसाब से डालना चाहिए। ओवरऑल 51 मैच में 228 34 विकेट है 73 ओवर डाल के, जबकि 2022 में 24 मैच में 66 19 विकेट है 30 ओवर डाल के। कामरान रशीद है, इसके नाम 9 T10 में 11 विकेट है 18 ओवर डाल के, ध्यान रखना लगभग 2 ओवर इसने हर मैच में डाले हैं, और क्लब T10 में 3 मैच में 1 विकेट है। क्लब T10 में थोड़ी बॉलिंग कम मिली है, लेकिन जो मेन T10 के मैचेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बॉलिंग मिली है। उस्मान जब्बर है, 27 मैच में 16 विकेट है 32 ओवर डाल के, 2022 में 19 मैच में 10 विकेट है 19 ओवर डाल के, लगभग 1 ओवर हर मैच का होता है इनका। जावेद दाऊदजई 16 मैच में 16 विकेट है ओवरऑल, और 11 मैच में 14 विकेट है 2022 में। और बासित साहिबी के नाम 3 यहाँ पर 10 T10 में 78 रन है। अब यहाँ से देखो अभी के लिए पिक कर सकते हो इस्माइल जिया, आजम खलील, जिया अलोजाई, इनके अलावा कुदरतुल्ला मीर अफजाल और उस्मान जब्बर या फिर जावेद दाऊदजई में से कोई एक। बेंच पर भी इनके बहुत सारे प्लेयर हैं भाई, इनका स्क्वाड मेरे को समझ में नहीं आता। इनका टीम का स्क्वाड है 32 प्लेयर का, जबकि खेलने हैं सिर्फ 11 प्लेयर, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सब प्लेयर के स्टेट्स यहाँ पर निकाले। फरीद खान T10 का एक मैच खेला है जिसमें डिड नॉट बैट है। अब्दुल्ला शरीफी, ये देखो क्लब T20 खेला है, 35 मैचेस खेला है, उसमें 155 रन और 30 विकेट है, बॉलिंग करवा सकता है।
अमन मोहम्मद है ईसीएस टी10 के 6 मैच में 20 रन 1 विकेट है, जबकि क्लब टी10 के 6 मैच में 31 3 विकेट है। स्पिनर है लेकिन बॉलिंग कम मिलती है। अमन जैदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ओवरऑल 28 टी10 में 63 रन 4 ही विकेट है, जबकि 2022 में 11 मैच में 26 2 विकेट है, खास रिकॉर्ड नहीं है। बिलाल खतक है, 31 टी20 में 451 रन 19 का एवरेज 0 विकेट है 4 ओवर डाल के। हमजा बैग है, इनके नाम क्लब टी20 के 14 मैच में 321 रन 26 का एवरेज 17 विकेट है 36 ओवर डाल के, खेलेगा तो बैटिंग बॉलिंग कर सकता है। लेमर मोहम्मद, अगर ये बंदा खेलता है ना तो ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता नजर आएगा पहला और तीसरा ओवर, और अच्छी खासी बॉलिंग करवाता है। 2022 में 27 मैच में 22 विकेट है। मशाल खान टी10 में 4 मैच में 1 विकेट है, जबकि क्लब टी20 में 47 मैच में 907 रन 14 विकेट है, ठीक है। मोहम्मद खतक 26 मैच में 511 5 विकेट है टी20 में। मोहम्मद जिसन यहाँ पर ईसीएस टी10 के 11 मैच में 20 रन 2 विकेट है, जबकि 2022 में 1 मैच में 6 रन है। यहाँ से मुर्तजा सैयद क्लब टी20 के 12 मैच में 94 रन 2 विकेट है 4 ओवर डाल के। नलिन डिसलवा क्लब टी10 के 6 मैच में 43 3 विकेट है 9 ओवर डाल के, बैटिंग बॉलिंग करवा सकता है अगर खेलता है तो। यहाँ से निकलास राजकुलागे 6 मैच में 10 रन 0 विकेट है। शाद अनीस टी10 में 1 मैच में 14 रन, जबकि टी20 में यहाँ पर 33 मैच में 619 रन है। शाद नवाज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 8 मैच में 5 रन 5 विकेट है 6 ओवर डाल के, 2022 में 2 मैच में 5 रन है। साबू नजरी 4 मैच में 0 विकेट है 2 ओवर डाल के ईसीएस टी10 में। यहाँ पर शनुक कैपतिवा 3 टी10 में 0 विकेट है, जबकि क्लब टी20 में 39 मैच में 725 37 विकेट है। शौकत कामरान 4 मैच में 3 विकेट है, और अद्वैत दाबे क्लब टी20 के 38 मैच में 736 रन 29 विकेट है। बाकी के जो दो प्लेयर इनके रिकॉर्ड मेरे को नहीं मिले, एनालिसिस में बहुत मेहनत लगती है, तो भाई वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करो, क्योंकि आपको पता है इस सीरीज में अपनी ऑलरेडी एक ड्रीम टीम लग चुकी है। जेसीसी की टीम की बात करूँ, 3 मैच खेली है, तीनों जीती हैं। अजीम अमीन भाई बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है, 0-2-0, लेकिन ग्रैंड लीग का पिक है क्योंकि ओपन कर रहा है, तो ग्रैंड लीग में आप बड़ा रिस्क ले सकते हो इस बंदे के ऊपर। फरहान चौधरी 276 नोट आउट 7 है, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, लेकिन ओपन कर रहा है तो आप मिस नहीं करना चाहोगे। समीर खान जो कि अपना जिस ड्रीम टीम में कैप्टन था, ये यहाँ पर ये वाले मैच की बात कर रहा हूँ मैं, 42 से 1 विकेट 4-0 विकेट 14-3 विकेट, बहुत अच्छा सीबीसी का चॉइस। तसद्दुक हुसैन भी बहुत ही अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, 14-1 विकेट 2-1 विकेट 14-1 विकेट, हर मैच में 2-2 ओवर डाल रहा है प्लस बैटिंग भी कर रहा है। और उस मैच में अपना वाइस कैप्टन कौन था, सरजील सदाकत, और ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में, 26-2 विकेट 71-0 विकेट 45-1 विकेट। जमल अवान भी बैटिंग बॉलिंग 2 ओवर की कन्फर्म करवा रहा है, 22-0 विकेट 2 विकेट 2-2 विकेट, और ये बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ताज हुसैन लास्ट मैच खेला था, 8 नोट आउट किया था 2021 टी10 में, 8 मैच में 85 रन है। वकर हुसैन 0-9 बैटिंग 2, खास रिकॉर्ड नहीं। कामरान जिया 0-9 बैटिंग 9 बैटिंग, और मोहम्मद बिलाल के नाम 3 मैच में 5 ओवर डाल के 1 विकेट है, ये भी लगभग 2 ओवर हर मैच में डाल रहा है, 9 मैच में 8 विकेट है। सज्जाद अली 3 मैच में 1 ही ओवर में बॉलिंग कराई, विकेट लेस था। यहाँ से पिक करूँगा फरहान चौधरी, समीर खान, तसद्दुक हुसैन, सरजील सदाकत, जमाल अवान और बिलाल मोहम्मद। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे तशद्दुक हुसैन, मोहम्मद बिलाल, सरजील सदाकत, डेथ के ओवर डालूंगा यहाँ से, डालते हैं यहाँ से समीर खान, सरजील सदाकत, तशद्दुक हुसैन। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करने से पहले एक बार फिर से आपसे क्लियर कर दूं कि भाई ये सिर्फ डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे आती है, जो मेरी कल की ड्रीम टीम निकली थी 9 बजे यहाँ पर, जो 8:30 वाले मैच की, वो भी यहीं पर मैंने दी थी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है, एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में है। एक बार आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये जरूर देखना कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, आपको पता भी चल जाएगा। अभी के लिए मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से आई जिया को रखा है, बैटिंग सेक्शन से एफ चौधरी को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से एस अली खान, जेड अलोजाई, क्यू मीर अफजाल, आजम खलील को रखा है, जबकि बॉलिंग सेक्शन से तसद्दुक हुसैन, यू जब्बार, जेड जे अवान, एस सदाकत और बिलाल मोहम्मद को रखा है। कैप्टन आजम खलील, वाइस कैप्टन एस अली खान। यहाँ से जो ये प्लेयर है ना, यहाँ पर जो प्लेयर है सरजील सदाकत, ये भी बहुत अच्छा सीबीसी का चॉइस है, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम ये है। फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।